हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलॉन मस्क की सारी कंपनीज़ के बारे में जो उन्होंने खुद स्टार्ट की या जिन कंपनीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट करके मैनेज करना शुरू कर दिया। वैसे तो आपको इलॉन मस्क के बारे में पता ही होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो उनको रियल वर्ल्ड का आयरन मैन माना जाता है। वो बिलियनर है, क्रेजी है और रिस्क टेकर है। इलॉन मस्क पे तो एक सेपरेट वीडियो आएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इलॉन मस्क की बिजनेस जर्नी स्टार्ट होती है जब वो सिर्फ 12 साल के थे। मस्क ने खुद से कोडिंग सीख के ब्लास्टर नाम का गेम कोड किया, जो उन्होंने एक पीसी मैगजीन को $500 में बेचा, जो आज की तारीख में करीबन $1500 होता है। अगर आपको वो गेम खेलना है तो थॉमस लॉरेट नाम के एक स्पेसएक्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उसे वेब कंपैटिबल करके होस्ट किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इलॉन मस्क ने अपनी पहली कंपनी अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर 1995 में स्टार्ट की, Zip2 के नाम से। ये एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो सिटी गाइड्स बनाती थी, यानी आज के ज़माने का गूगल मैप्स जैसा कुछ। शुरुआत में उनको कुछ एंजल इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिली। मस्क को कंपनी का सीईओ बनना था, लेकिन बोर्ड मेंबर्स इसके खिलाफ थे। फरवरी 1999 में कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। इलॉन मस्क के पास कंपनी का 7% स्टेक था, तो उन्हें $22 मिलियन यानी लगभग 150 करोड़ रुपीज़ मिले। एक महीने बाद ही मार्च 1999 में मस्क ने अपनी नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट की, X.com, जो फाइनेंशियल सर्विसेज और सिर्फ ईमेल एड्रेस यूज़ करके पेमेंट्स भेजने का काम करती थी। एक साल बाद कॉन्फिनिटी नाम के स्टार्टअप के साथ X.com मर्ज हो गया और नाम चेंज करके पेपैल कर दिया गया। अक्टूबर 2000 में इलॉन मस्क को सीईओ के पोस्ट से निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी बहस हो गई थी कंपनी के सीटीओ के साथ। इलॉन मस्क चाहते थे कि सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूनिक्स से विंडोज़ में चेंज कर दिया जाए। दो साल बाद अक्टूबर 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। मस्क के पास कंपनी का सबसे ज़्यादा स्टेक था, 11.7%, जिसके लिए उन्हें $165 मिलियन मिले। एक फन फैक्ट, जुलाई 2017 में इलॉन मस्क ने X.com का डोमेन नेम फिर से एक बार खरीद लिया, क्योंकि X.com के साथ उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। इस बार इलॉन मस्क कुछ बड़ा करना चाहते थे। फरवरी 2002 में इलॉन मस्क रशिया गए 3 ICBM खरीदने के लिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल। वहां जाकर उनको पता चला कि एक रॉकेट की प्राइस $8 मिलियन है। इलॉन मस्क को लगा कि इससे सस्ता तो वो खुद ही बना देंगे, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की रॉकेट कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो खुद के $100 मिलियन जो उन्हें पेपैल की एग्जिट से मिले थे, वो इन्वेस्ट करके उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज यानी SpaceX मई 2002 में स्टार्ट की। सितंबर 2008 में SpaceX का Falcon 1 रॉकेट फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड लिक्विड फ्यूल्ड व्हीकल था, जो सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचा पाया। उसके बाद SpaceX का फोकस रीयूजेबल रॉकेट पे था। दिसंबर 2015 में SpaceX ने Falcon रॉकेट का फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुली वापस लैंड किया। इलॉन मस्क का मेन विजन अब इंसानों को मार्स पे पहुंचाना है। अब बात करते हैं इलॉन मस्क की नेक्स्ट कंपनी के बारे में, टेस्ला। तो टेस्ला को मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टापनिंग ने 2003 में स्टार्ट की। 2004 में इलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्ट किया और कंपनी के चेयरमैन बन गए। टेस्ला मोटर्स ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाई, टेस्ला रोडस्टर के नाम से, लेकिन उस कार ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ 2500 गाड़ियाँ बिकी। बाद में मॉडल एस की वजह से टेस्ला को ब्रेक थ्रू मिला, और उसके बाद तो आपने रोडस्टर और साइबर ट्रक का नाम तो सुना ही होगा। इलॉन मस्क ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत सीरियस है, तो उन्होंने 2006 में अपने कजिन्स के साथ मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट की जो सोलार एनर्जी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी SolarCity खुद सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर और इंस्टॉल करता है। 2016 में टेस्ला ने SolarCity को खरीद लिया और अब वो उसकी सब्सिडरी है। अगस्त 2013 में इलॉन मस्क ने एक नया कॉन्सेप्ट सामने रखा, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर, जिसमें वो प्रेशर ट्यूब्स यूज करेंगे प्लेन की स्पीड से ट्रैवल करने के लिए, लेकिन उससे बहुत कम प्राइस में। दिसंबर 2015 में इलॉन मस्क ने OpenAI का अनाउंसमेंट किया, जो एक नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है। OpenAI का मेन एम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ और इंसानों के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए। लेकिन 2018 में इलॉन मस्क ने OpenAI के बोर्ड को छोड़ दिया, क्योंकि वो टेस्ला के सीईओ भी है और टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स में AI का यूज़ करती है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए वो OpenAI से निकल गए। 2016 में इलॉन मस्क ने एक नई कंपनी स्टार्ट की, Neuralink, जो एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है, यानी वो ह्यूमन ब्रेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह इंटीग्रेट करे उस पर फोकस करती है। कंपनी का मेन फोकस है डिवाइसेस बनाना जो ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट हो सके। दिसंबर 2016 में जब इलॉन मस्क एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे, तब उन्होंने अपनी एक नई कंपनी का आइडिया सोचा, द बोरिंग कंपनी, जो कि अंडरग्राउंड टनल्स खोदेगी ताकि गाड़ियां उन टनल्स के थ्रू कहीं पे भी जल्दी से पहुंच सके और जो रोड पे ट्रैफिक है उसको डॉज किया जा सके। 2017 में द बोरिंग कंपनी ने 50,000 हैट्स बेचे, जिससे उन्होंने $700,000 रेज किए।
और उसके अगले साल उन्होंने नॉट अ फ्लेम थ्रोअर बनाया जिसकी 20,000 यूनिट्स उन्होंने बेचे और $10 million रेज किए। तो ये थी इलॉन मस्क की सारी कंपनीज, इंटरनेट से लेके स्पेस एक्सप्लोरेशन, हर तरह की कंपनी खोल दी है इलॉन मस्क ने। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ कि इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट कंपनी है, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।